Stealing every Rolls Royce in GTA 5. Hello guys, क्या हाल चाल आयो, बढ़िया रहोगे तो आज आप लोगों ने देख लिया अगर इंट्रो में कि मैं चोरी करने वाला लॉस सैंटोस से सारे के सारे रॉयल्स रॉयस। तो पहली लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ, ये बहुत ही बड़े बिलियनर का हाउस है और इसके पास बहुत ही महंगी रॉयल्स रॉयस है। आई डोंट नो कौन सी रॉयल्स रॉयस है, बट यहाँ पर मुझे बस लोकेशन पता चला है। यहाँ से मैं जाने वाला अगली लोकेशन, उससे पहले यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इनके पास शायद से शॉर्ट गन है और मैं निकाल लेता हूँ मेरी पिस्तौल जिससे मैं इनको टेक डाउन करने वाला हूँ। जो की भाई ये पिस्तौल बहुत ही अनबिलीवेबल पिस्तौल है, इसमें कोई रिलोडिंग को नहीं होता भाई, मतलब भाई मैजिकल पिस्तौल इसको तुम कह सकते हो कि भाई रिलोडिंग नेक्स्ट लेवल तक इसके अंदर चलती है। अनलिमिटेड गोली इसके अंदर तुमको मिलती है और तुम यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक मैन वाले, मतलब भाई यहाँ पर अखी ने ब्लैक कपड़ा पहना, ये ब्लैक गैंग के मेंबर और यहाँ पर रॉयल्स रॉयस डॉन शायद से खड़ी है, ओवरडोज खड़ी है। भाई साहब जहर दिखाई दे रही है व्हाइट और ग्रे कलर में रॉयल्स रॉयस, और यहाँ पर इनको टेक डाउन करते करते मैं आप लोगों से एक चाहता हूँ कि फटाफट वीडियो पे नए हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो फटाफट से भाई लोग, यही आप लोगों से मैं चाहता हूँ। 100 लाइक रखा है मैंने इस वीडियो पे, तो आई होप वीडियो पे करवा दोगे तो भाई जिंदा था। इसको दरवाजा खोलते ही तो मर गया। चलो भाई यहाँ पर मैंने सारे बंदे निपटा दिए, मैं रॉयल्स रॉयस को लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। बट भाई रॉयल्स रॉयस की एक बार लुक देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं लग्जरी इंसान बन चुका हूँ, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा अमीर मैं बन चुका हूँ। और ऐसे ही बाकी रॉयल्स रॉयस भी जितने भी लॉस सैंटोस में सारे के सारे चोरी करने वाला, तुम लोग देखते रहना वीडियो के एंड तक, तब जाके मजा आएगा। उसके बाद मुझे बताना कि जो भी रॉयल्स रॉयस मैंने चोरी करी है उनमें से सबसे बेस्ट तुम लोग को कौन सा लगा कमेंट में बताना। तो पहली रॉयल्स रॉयस तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना ही प्रीमियम लुक है, इसका टायर्स वगैरह बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे लोकेशन कैसे पता चल रहा है, तो इसके पीछे वो इंसान है जो तुमको बहुत ज्यादा प्यार है, वो है शिनचैन नोहारा। तो शिनचैन नोहारा मेरे को सारे लोकेशन बता रहा, और ये तुम देख सकते हो ये है गोल्फ का मालिक का एक घर, बहुत ही बड़ा बंगलो, और उसके पास एक रॉयल्स रॉयस डॉन ओपन वाली जो होती है, डॉन करके जो नाम है उसका, वो वाली अंदर खड़ी है। तो एक काम करते मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ और तुम लोग देख सकते हो रेड कलर में सामने खड़ी है, बट एक मैं भाई मैं इसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ यहाँ से मैं चढ़ चुका हूँ और अभी यहाँ से एंट्री करते इनके ऊपर मारेंगे। और ये देखो गाइस बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी बंदे यहाँ पर खड़े, और ये जो गोल्फ वाला मालिक है बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है। सामने इसकी गोल्फ की बहुत बड़ी कोर्स है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे लूटते हैं उन लोगों से, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ इसकी रॉयल्स रॉयस लूटने को, चोरी करने को। तुम लोग देख सकते हो रेड कलर में बहुत ही फिनिश कलर में, मतलब भाई साहब प्रीमियम लुक दे रही है ये रेड रॉयल्स रॉयस डॉन, जो कि भाई साहब जहर है। तो ये अपनी दूसरी कलेक्शन में ऐड करने से पहले यहाँ पर जितने भी टकले बंदे उनको निपटाना पड़ेगा, और भाई इनकी टॉप स्पीड क्या होगी मुझे नहीं पता। भाई ये प्रीमियम गाड़ी से इनकी टॉप स्पीड क्या ही अपन सोच सकते हैं, बट रॉयल्स रॉयस इनकी स्पीड भी तो ज्यादा ही होने वाली है। बट यहाँ पर तुम देख सकते हो ये पीछे की तरफ खड़ी की थी, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ से है। भाई लोग मानो या ना मानो ये वाली रॉयल्स रॉयस पहले वाले से भी जहर है, तो मैं समझ सकते भी तुम लोग कि भाई आने वाली रॉयल्स रॉयस भी कितनी डेंजर होने वाली है। बट यहाँ से रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, रुको रुको यहाँ से लगता बाहर जाने का रास्ता होगा। भाई इसने ना वहीं पे सिर्फ बंदे लगा के रखे थे, मेरे को लगा हर घर में बंदे रहेंगे, हर जगह बंदे रहेंगे, बट नहीं, जहाँ पर रॉयल्स रॉयस खड़ी थी वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, उसके अलावा कहीं भी नहीं खड़े थे। तो ये अच्छा हो गया, अपन ने बहुत ही इजी तरीके से रॉयल्स रॉयस को बस इसके घर के बाहर निकाल लिए, और ये तुम्हारे भाई के नाम पे हो चुकी है। तो राइट नाउ तुम्हारे भाई ने दो रॉयल्स रॉयस चोरी कर ली, जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी और बहुत ही ज्यादा महंगी है, और ये रेड कलर में ना जो फिनिश लुक में दिखाई दे रही है ना, मतलब जहर भाई। तुम अभी राइट नाउ देख सकते हो उसकी स्पीड भी, भाई मैं फुल ऑन स्पीड नहीं भगा रहा, फिर भी 130-140 तो यू टच कर जा रही है। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ जो भी रॉयल्स रॉयस हम चोरी करने वाले, तुम चाहते हो क्या मैं उनका टेस्ट करूँ, स्पीड टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में बताना। जो भी रॉयल्स रॉयस आने वाली है सारे के सारे अपन टेस्ट करने वाले। और राइट नाउ मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पर एक चलता है इलेक्ट्रिक बिजनेस, और यहाँ पर मुझे पता चला है बहुत ही पुराने टाइम की, मतलब स्टार्टिंग की जो रॉयल्स रॉयस थी वो रॉयल्स रॉयस यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इसका मालिक बहुत ही ज्यादा पुराना है, मतलब बुड्ढा हो चुका है। उसके पास सबसे पहले रॉयल्स रॉयस लॉस सैंटोस में आई थी, इसलिए उसने अभी तक उसको संभाल के यहाँ पर रखा है। तुम लोग सामने देख सकते हो वो रॉयल्स रॉयस, बट इसने भाई बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी, यहाँ पर कोई पंगा हुआ तो ये रॉयल्स रॉयस को लेके यहाँ से निकल जाएंगे, तो अपने हाथों से रॉयल्स रॉयस निकल जाएगी। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कोई रॉयल्स रॉयस के अंदर ना बैठे और ये गाड़ी को लेके यहाँ से ना निकले, बट यहाँ पर भी बंदे टाइट सिक्योरिटी के साथ लग रहे। मन में सारा कि मुझे गोली लग रही है, मेरा हेल्थ कम क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कपड़े के अंदर मैंने पहना एक ऐसा जैकेट जो कि बुलेट को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर ले, सोख लेता है, जिससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, खरोच तक नहीं आती। रुको एक लास्ट बंदा शायद से यहाँ पर बचा है, उसको निपटाने के बाद ना अपन रॉयल्स रॉयस तुम यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्रीमियम है भाई, मतलब मानो या ना मानो जो दो रॉयल्स रॉयस चोरी करती ना उससे प्रीमियम ये मेरी को लग रही है मेरे को, क्योंकि भाई पता है क्यों, ये पहली रॉयल्स रॉयस थी जब बनी थी उस टाइम पे, और यहाँ
यहाँ पर तुम राइट नाउ देख सकते हो भाई क्या ही जहर लुक इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सबसे महंगी बिकेगी क्योंकि भाई ये एंटिक रॉयल्स रॉयस है जहाँ पर दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ इसी इंसान के पास थी। तो ये लोकेशन मेरे को पता चल चुकी है राइट नाउ, ये मेरे पास हो चुकी है भाई। मैं तो इसको बहुत ही एंटिक दाम पे बेचने वाला हूँ, मतलब मैं इसको बहुत ही महंगे दाम पे बेचने वाला हूँ, बहुत ही महंगे दाम पे करूंगा मैं। मुझे पता चल चुका है कि इसकी वैल्यू लॉस एंटोस से बाहर जाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं इसको लॉस एंटोस के बाहर जाके बेचूंगा। बट राइट नाउ उसको घर पे खड़ी करने के बाद बढ़ते अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। मैं आ चुका हूँ हमारे प्रेसिडेंट के बंगले की तरफ। यहाँ पर प्रेसिडेंट की खड़ी है रॉयल्स रॉयस रैथ जो कि हम चोरी करने को आ चुके हैं। रुको सबर करो मैं दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो ब्लू और ग्रे कलर में वहां पर खड़ी है रॉयल्स रॉयस रैथ जो हमारे प्रेसिडेंट की है। तो राइट नाउ उसको चोरी करने की बारी आ चुकी है। उसको चोरी करने के बाद शायद से अपनी ये चौथी रॉयल्स रॉयस होने वाली जो अपने अपनी कलेक्शन में ऐड करने वाले। पहले अपन ने चुराई थी ओवरडोज, फिर चुराई थी डॉन, फिर चुराई थी वो पुराने जमाने वाली रॉयल्स रॉयस। अब मैं चुराने आ चुका हूँ 2014 की रेड रॉयल्स रॉयस। तो यहाँ पर इसका कलर तो बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर बंदे कुछ ज्यादा है, कम से कम 20 से 30 बंदे शायद से है। इनको निपटाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन उस रॉयल्स रॉयस को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भाई कवर में फायर करने जा रहे थे, बट इनको पता नहीं कि मैं बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक फायरिंग वाली स्किल्स है। और इसको निपटाने के बाद आई थिंक तो सारे के सारे मर गए हैं। हाँ जी हाँ, यहाँ पर सारे निपट चुके। बट ये रॉयल्स रॉयस देखो भाई, इसको यूएई से इंपोर्ट किया गया है, इसीलिए इसका नंबर प्लेट ऐसा है। तो यहाँ पर राइट नाउ तुम देख सकते हो भाई साहब, ये बोलते है ना गाइस लग्जरी कार्स में, मतलब मानो या ना मानो रॉयल्स रॉयस सच में लग्जरी कार है। ओ भाई साहब क्या प्रीमियम लुक दे रहा, फीलिंग मेरे को ऐसे आ रही कि भाई मैं बहुत ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। राइट नाउ तुम्हारे भाई ने चौथी गाड़ी भी बहुत ही इजी तरीके से चोरी कर ली। अब बढ़ती है इसको घर पे लेके चलेंगे, उसके बाद खड़ी करने के बाद अपनी को जाना एक और लोकेशन की तरफ जो कि एयरपोर्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर शायद से कोई रॉयल्स रॉयस कूलिंग खड़ी है जो कि भाई एसयूवी वाली होती है रॉयल्स रॉयस में, उसकी भी बहुत ही ज्यादा डिमांड है लॉस सैंटोस में। ये जो भी वेयर हाउस है ना यहाँ पर तुम ऊपर देख सकते हो, डेविन वेस्टर्न का ये वेयर हाउस है। ये वेयर हाउस का मालिक डेविन वेस्टर्न है, उसके पास कूलिंग खड़ी है, तुम लोग वहां पर देख सकते हो। लेफ्ट साइड में वो गाड़ी खड़ी है जहां पर टाइट सिक्योरिटी रखी है। तो भाई साहब कूलिंग को अपन चोरी करने वाले, रॉयल्स रॉयस की ब्रांड है, वो बहुत ही महंगी है और उसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और डेविन वेस्टर्न अभी राइट नाउ है नहीं, तो अपनी को बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा इनके साथ। तुम देख सकते हो येलो कलर में वहां पर खड़ी है, रुको साइकिल ठोकता साले के मुंह के ऊपर। भाई साहब देख रहे हो फायर मेरे पर शुरू कर दिया है, बट इनको पता नहीं मैंने पहना है इनविजिबल जैकेट जिससे मुझे गोली कुछ नहीं छू के टच करके निकल जाएगी, बट मुझे मेरी हेल्थ कम नहीं होने वाली है। ये फायदा होता है गाइस को आप मैजिकल सीखते हो, तो भाई तुमको मैजिक सीखना तुम बता देना। बट राइट ना तुम यहाँ पर देख सकते हो ये है चड्डी गैंग के मेंबर जो कि भाई बहुत खतरनाक होते हैं। इनके अंदर जो फायर है ना, मतलब भाई लोग कहीं भी आपसे पंगा ले सकते हैं। बट इनको पता नहीं जो मेरे पास पिस्तौल है वो अनलिमिटेड गोली के साथ आती है जो अनलिमिटेड फायर कर सकती है। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई बंदे कवर पे लेके फायर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे अंदर, यहाँ से 2-3 बंदे शायद से छुपके में फायर कर रहे हैं। बट वो भाई साहब मैंने उसको गोली मारा, वो उधर छुपके फायर कर रहा है। भाई यहाँ पर सारे को निपटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। तो राइट नाउ कार के पास इसको भी लग चुकी है गोली, एक ही बचा शायद से कंटेनर के पीछे, रुको मारने दो इसको, गोली लग जा है तो कंटेनर शायद से मर चुका। राइट नाउ सारे के सारे फिनिश हो चुके और तुम यहाँ पर देख सकते हो रॉयल्स रॉयस कूलिंग करके नाम है इस गाड़ी का। और भाई साहब ये होती ना ब्रांड गाड़ी, ये एसयूवी ब्रांड है गाइस, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। शिनचैन को पक्का यही वाली गाड़ी पसंद आने वाली है। इसके बाद एक और गाड़ी बची है बट मुझे नहीं पता वो कौन सी गाड़ी है, बट मैं लिख के तो शिनचैन को ये एसयूवी रॉयल्स रॉयस पक्का पसंद आने वाली। तो यहाँ पर गेट ऑटोमेटिक खुलेगा, उसको लगेगा कोई मालिक जा रहा है यहाँ से, उसको पता नहीं कि मैं यहाँ पर गाड़ी चोरी करके निकल रहा हूँ। जब तक इनको पता चलेगा बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, अपन यहाँ से इसको अपने घर पे खड़ी कर देंगे। तब तक भाई किसी को पता नहीं चलने वाला कि अपन इसको इजिली चोरी करके जा रहे हैं यहाँ से। तुम देख सकते हो अपन ने एक और रॉयल्स रॉयस चोरी कर लिया अपने घर में ऐड करने को। तो ये भाई साहब क्या लग्जरी, ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन चुका हूँ, बहुत ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। मेरे को ये चलाने के बाद ऐसी वाइब आ रही कि भाई मैं बहुत ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। तो एक काम करते फटाफट इसको अपने घर की तरफ लेके चलते, क्योंकि इसके बाद अपने को एक और लोकेशन पे जाना है जो कि भाई ये है बहुत ही खतरनाक स्क्रैप यार्ड एरिया। यहाँ पर खड़ी है रॉयल्स रॉयस 2019 एडिशन से ऐसे खड़ी है, और वो भी ओपन एडिशन में खड़ी। रुको यहाँ से जंप मारते स्टंट मारते, ओ भाई साहब क्या भाई यार ये क्या हो गया, मेरे को लगा मस्त स्टंट मारा बट मैं यहाँ पर आके अटक गया। रुको बाहर निकलने, तो यहाँ से उड़ जा भाई साहब। चलो गाइस मैं भी उड़ चुका हूँ, अब इनकी शामत आने वाली, इनकी खैरियत नहीं, अब इनको निपटाता हूँ यहाँ पर। तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो यार, इतना सपोर्ट तो कर सकते इतने देखने के बाद। तुम यहाँ पर देख सकते हो ये भी ब्लैक गैंग के मेंबर, इन्होंने ब्लैक बनियान पहना है जो कि मानो या ना मानो बहुत ज्यादा जहर। उनके
पास शायद सिर्फ कोस्टल राइफल है जो कि भाई ऑटो में चलती है, बहुत ही महंगी आती है। तो भाई ये स्क्रैप पैड का मालिक है, उसके पास ये रॉयल्स रॉयस खड़ी है जो कि भाई एक तरीके से एंटिक पीस है। ये वाली भी जो मॉडल बनी थी ना लॉस सैंटोस में, एक ही बार आई थी और एक ही बार बनी थी, इसलिए भाई इसने पहले खरीदा, इसलिए भाई यहाँ पर तुम देख सकते हो ये रॉयल्स रॉयस का डिमांड है। और राइट नाउ मैंने सारे बंदे शायद से निपटा दिए, देख लें तो मुझे कोई बचा तो नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। फटाफट मैं बैठता हूँ मेरी ये रॉयल्स रॉयस एंटिक के अंदर, और इसके टायर्स देखो भाई, मैंने कह रहा ना ये रॉयल्स रॉयस बहुत एंटिक है। ये एक ऐसी गाड़ी एक क्लौती बनी थी जो किसी ने नहीं देखी और किसी ने बेची, सिर्फ एक बनी थी, इसी के लिए बनी थी और इसी के लिए बनी गई थी, और इसके बाद मैंने इसको चोरी कर लिया और ये अपने कब्जे में आ चुकी है, और एक और ब्रांड मैंने अपने कब्जे में ऐड कर लिया। तो राइट नाउ मैंने 6 या 5 रॉयल्स रॉयस चोरी कर लिए, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, और इसमें से मुझे बताना 6 में से 5 में से तुमको सबसे बेस्ट रॉयल्स रॉयस कौन सी लगी है। मुझे पर्सनल पूछोगे तो मुझे भी वो एसयूवी वाली जो कूलिंग करके रॉयल्स रॉयस थी ना, वही ज्यादा पसंद आई है। बट उसके बाद अगर मुझे पूछोगे ना, तो मेरे को जो वो हमने चुराई थी पहली वाली व्हाइट और ग्रे कलर में ना, वो भी बहुत ज्यादा एंटिक लग रही थी, जहर लग रही थी। राइट नाउ मुझे वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पे नए हो चैनल पे नए हो तो पहले वीडियो को लाइक करना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के जाना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा और तुम आके मेरी वीडियो को देख लोगे। तो 100 लाइक का एम आई होप करवा दोगे, तो इसको मैं घर पे लेके चलता हूं। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, आई होप मजा आएगा आज की वीडियो में आप लोगों को।